इस युग का धर्म करो तुम पाई, पूरे पूरे सब सो जी पाई। इस युग का धर्म करो तुम पाई, पूरे पूरे सब सो जी पाई। ये बाणी श्री गुरु अमरदास जी दी है। गुरु साहब जी योग के मुताबिक समझा रहे हैं। सानू कोई समझ नहीं, जो कुछ भी असी कर रहे हैं सानू कोई समझ नहीं कि असी की कर रहे हैं। जेड़े असी कर्म कांड कर रहे हैं क्या ये मौके दे मुताबिक ऐसे योग के मुताबिक ने, जां इन्हां चों सानूं मिलेगा कि पुरातन युगां दे कर्म जिन्हां युगां दे विच साढ़े लखां वरे उमरां होंदियां सन वो कर्म असीं अज कर रहे हैं। सानूं इह समझ नहीं कि साड़ी इन्नी उम्र नहीं, काल भगवान ने 100 साल उम्र रखी है साड़ी, तो लख वरे का काम असी 100 साल दे विच किस तरह कर सकते हैं, इहदे बारे असी कदी सोचिया नहीं। बड़े बड़े साइंसदान पढ़े लिखे भी इत्थे आके भुल रहे हैं, जिन्हां ने दुनिया के उत्ते बड़ा कुछ बनाया, बड़िया बड़िया मशीनरियां बनाइया, बड़ी बड़िया अच्छिया चीजा बनाइया, लेकिन इस बारे नहीं सोचा कदें कि जो असी कर्म कर रहे हैं क्या क्या असी इस युग के कर रहे हैं या पुरातन युगों के कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज ने दुनिया के नाल मिले चुले पहली उम्र के विच कर्म कांड किए, लेकिन बनया कुछ नहीं। क्यों? जो कर्म जड़े है बेमौसमे बीज बीजन का कोई फायदा नहीं। कोई भी बेमौसमे बीज बीजता है जिमीदार से वो नहीं वढ़ के खा लेंदा, कुछ भी कोई फायदा नहीं उस जमीन च होंदा। असी भी जो कर्म कर रहे हैं ये बेमौसमे कर रहे हैं, बकदे नहीं कर रहे। हर बंदे नूं ये पता है कि बकर दा मौके दा हाकम ही सानू काम देगा। पिछले बड़े बड़े राजे धर्मी जाए हो गए है, अफसर हो गया है, जड़ा रिटायर हो गया वो की साड़ा काम करेगा। बड़े बड़े टीम डॉक्टर पिछले युगों में हो गए ने, बीमारी सानू आज लगी है, सानू आज दा डॉक्टर चाहिए मौके दा, की सानू आके दवाई देंगे? ईसरी नूं पति की जरूरत मौके की। पिछले बेशक राजे हरिचंद वर्गे जां होर भी बड़े धर्मी होए है, पर अज आ नहीं सकते। ये सानू सारा पता है कि सानू बकत आगम की जरूरत है, बकत सानू कीम की जरूरत है, लेकिन बकत के काम की भी जरूरत है। मौसम के मुताबिक, युग के मुताबिक सानू जो ईश्वर की भगती करनी है उदी भी जरूरत है। अगर असी वो मौसम के मुताबिक या वक्त के मुताबिक नहीं करते तो कोई फायदा नहीं हो सकता। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने 22 बार तीर्थ यात्रा की है, और जग मोशे भी करते रहे और भी कर्म काज करते रहे, लेकिन बनया कुछ नहीं। जिस चीज वास्ते करते रहे असी ये नहीं कदी सोचिया कि जिन्हां युगां दे असी अज कर्म कर रहे हैं जेड़े उन्हां युगां दे विच उस वक्त भी सन, चाहे बड़े बड़े ऋषि सन, बड़े बड़े राजे महाराजे सन, बड़े बड़े अवतार सन,
क्या उन्होंने शांति मिली है? उन्होंने शांति का कोई काम किया है? कोई सुख मिलिया किसी नू? किसी भी युग के तुसी अंदाजा ला लो, सवाए लड़ाई ते तलवारां ते गोलियां ते बगैरा होर की सी? बड़े बड़े सूरमियां नू मारिया, बड़े बड़े राजा महाराजा दियां राजां नू फेल किया, शांति लैनी कित्थों है? अगर असी उन्हां युगां दे अज कर्म करांगे, जे उन्हां नू शांति नहीं मिली, सानू कित्थों मिलेगी? जे उन्हां च शांति नहीं, एक दूजे नू मारो मार दे है, एक पैदा होया दूजे नू तैयार कर दिता, इनू मारन की कोशिश करो, इनू डाउन करो, किसी दे राज नू खोवो, किसी नू कुछ करो, किसी नू कुछ करो। जिन्हें युगों असं बड़े धर्मी ते बड़े मानदार कहने, अज मानदारी का पता लगता है, वो कितने के मानदार सन? श्री कृष्ण महाराज जी पांडवों का जो फैसला कराने वास्ते गए है, कि जब उन्होंने कहा कि तुसी एक पांच पिंड दे दो, ये पंजे भरा गुजारा कर लेंगे, चक्रपति राज सी दुनिया का, लेकिन पांच पिंड दे नहीं सके, ये साढ़े नाल लड़ाई करन, असं घोड़े दे पैर जिनी जगह नहीं दे सकते। माण किया कि साढ़े पास फौजा ने, धन पदार्थ है, रिजत है, ये पांच सानू की कर सकते हैं? पर दरबाणी च गुरु साहब जी फरमाते, तेरा माण खुदा नू ना पावे, बंदे तू माण ना करी। लड़ाई हुई फिर की होया? जे पांच पिंड दे ही देंदे मानदारी नाल, ते राज भी रहिंदा, बंदे भी रहिंदे, मरदे भी नहीं, आराम नाल अपने खुशियां करदे, की होया? अज असी उस युग दे कर्म नू करांगे ते सानू की मिलेगा? सानू कितनी की शांति मिलेगी? जिन्हां दे उस युग विच राज सन, धर्मी सन, बड़े बड़े अवतार सन, जे उन्हां नू शांति नहीं मिली, ते सानू किन्नी की शांति मिल जाएगी? इहदे बारे असी कदी विचार नहीं कीती। ये संत महापुरख दुनिया ते आए, जिन्हें आके ईश्वर की भगती की, नाम जपया, दुख सुख चले, क्योंकि पिछलियां आदतां चलिया आउंदियां ने। जिहड़े संतां महापुरखां नूं इस युग दे विच भी तकलीफां दित्तियां ने, वो पिछलियां आदतां नूं चलियां आईयां, पिछले युगां दे जन्मां दियां, जबरदस्तियां और जबरदस्ती करनी, एक दूजे नूं डाउन करना, कमजोर करने की कोशिश करनी, अपने आप का माण करना, ये पिछले युगों दी रूहां दे नाल नाल ही जदों भी पैदा होए, नाल नाल ही सीढ़ चलती आउंदी। पर जिन्हां संतां महापुरखां ने इस युग दे विच भगती कीती है, उन्हां दुख भी चले, बड़ियां बड़ियां तकलीफां, फांसी के तख्तियां ते पहुंचे। कबीर साहब के नाल की किया? बन के गंगा दे विच सुटिया, देगा च बालिया, चिखा च जलाया, हाथियां के अगे सुटे बन के, लेकिन उन्हें परमात्मा का विश्वास, सच्ची भगती की। सच्ची भगती का परमात्मा भी बनता है, कच्ची भगती का परमात्मा नहीं बनता। वो भी देखता है कि मेरा हो गया, मैं भी ये बनना है। हर जगह तू मालिक उन्होंने हिफाजत करते रहे, बचाते रहे। होर भी जितने संत महापुरख दुनिया च होए इस युग में, किहदे नाल नहीं जबरदस्ती हुई, किहदे नाल कोई सलूक होया किसी का? बड़े बड़े सज्जन जड़े होंदे रहे, उही उन्होंने दुश्मन बनते रहे। क्यों बनते रहे? पिछली तक जड़ी चलती आउंदी गल, पिछली आदत पई होंदी है। इस युग दे विच संतां महापुरखां ने आके प्रचार किया है कि भाई बगैर नाम दे तुहाडी कल्याण नहीं होएगी। सतयुग विच सत, त्रेता विच तप, द्वापर पूजा उचार, कलयुग में नाम हदार। कलयुग दे विच नाम तों बिना तेरा हदार नहीं हो सकता। जिन्हां फकीरां ने दिन रात नाम जपिया, मेहनत की है, उन्हें प्रचार किया है,
दुनिया के बिच बां कढ के क्या है कि बगैर नाम के तुहाडा आधार नहीं होएगा, नाम जपना ही पेगा। अगर असी कर्म कांड पिछले युगों के करते हैं तो नाल ये भी सोच लईए कि जिस युग के बिच ये हालत हुई ने, मारो मारी हुई है, बड़े बड़े ऋषि ते बड़े बड़े अवतार, जे उन्हां दे विच शांति नहीं आई ते असी वह कर्म करांगे ते साडे च शांति आ जाएगी। पिछे एक एक दो दिन होया ते टीवी दे विच एक दसी जान रहा है कि फलाने का तबीयत ते फलाने दे मनके ते फलाने का फलानी चीज पाओ ते तुहानूं शांति मिल जाएगी, तुहानूं धन पदार्थ मिल जाएगा। तो मैं क्या कि फलाने नूं नहीं पुछया भी तैनूं शांति किन्नी आई है, जिहदे मन के दस रहा है तू, जिहदे तबीयत दस रहा जिस दे, उहनूं ते पुछ कि तैनूं शांति किदी आई है। जे उहनूं आपे शांति नहीं तो सानूं शांति किन्नी की मिल जाएगी। मैं कहा इहनूं इह नहीं पता कि जिहदी तू दसण डिया उहने शांति उहदे च किन्नी की है ते उसने की कुछ कर्म किया सी। बाकी अन्ना जगत अन्ना बरतारा, बाद गुरु डुबा संसारा। सुनने वाले यही कहते ठीक है जी, बिल्कुल सानू सब कुछ मिल जाएगा, सारी शांति मिल जाएगी। कितों मिल जाएगी? जे उसनू नहीं मिली तो सानू कितना मिल जाएगी? गुरु साहब जी जो बाणी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि ऐस युग का धर्म पढ़ो। ऐस युग दे विच की करना चाहिए? किसना सोजी मिली पूरे सतगुर सोजी पाई। जब पूरा सतगुर मिलिया उन्होंने कहा भाई अगे तू तीर्थां दे शनान करदा सी, हुण तीर्थां दे शनान पानी लिया के सानू कराया कर। कुड़म कुड़म दा पानी टोवे बड़ा औखा है, छे मील जाना, छे मील आना, बारह मील रोज का सफर, पानी लिया के टाइम सिर देना और शनान कराना। बारह साल गुजर गए, ये सफाई एवें नहीं आती। एवें नहीं किया दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा इसके बैठाने के लिए। साडा उजरा कितना साफ होना है जदों साडी बाहरली अख मुड़ जाएगी, देखना मुड़ जाएगी, कहना मुड़ जाएगी, कन्ना सुनना मुड़ जाएगा, मोहरां लग जाएगियां, साडा ध्यान उस वक्त अंदर नूं आएगा। जे साडा ध्यान अखां राहीं निकल रहा, कन्ना राहीं निकल रहा, मूंह राहीं निकल रहा ते हिरदा साडा साफ कितना होएगा? मैं रात भी दस्या सी, बेशक सूरदास अन्ना नहीं सी हैगा, वो सत्था सी, लेकिन उसने अपनी अखां नूं सजा दित्ती सी, अखां मुड़ियां नहीं सियां। ते अखां नूं कहा उसने कि देख लो अज जो देखना, जे कल ने जे तुहानूं लभना कुछ भी। सलाइयां पखा के लोहे दियां अखां दे विच फेर दित्तियां, जिंदगी वास्ते तुसी हुण कुछ नहीं देखोगी। उन्हां नूं सजा दित्ती सी। असीं आम लोग शब्द पढ़दे हां सतगुर विच बैठ के अखियां खाली रखियां मैं वास्ते तेरे, ये खाली हुण तां सतगुर बैठे साडियां अखां दे विच, सारा जहान बस रहा, सारी दुनिया बस रही, खाली तो है ही नहीं। जिन्हां दे दरबार विच बैठे हैं 40 साल उन्हां तपस्या कीती, 40 साल दिन रात तपस्या कीती, उन्हां अपनियां अखां खाली रखियां। जदों खाली कीतियां ते सतगुर अखां च बैठ गए, 3 दिन ते 3 रातां समाधि लगी रही। खाली अखां च आके सतगुर बैठ गया, 3 दिन ते 3 रातां समाधि लगी रही, रूखंडां ब्रह्मांडां च पहुंच गई। साडे कोलों भी सतगुर कोई दूर ते नहीं, लेकिन साडा मकान भी खाली होवे बैठन किथे,
ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਾਤਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਰ ਸਨ, ਰੁਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭੁਆ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ? ਨਿੰਦਕਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਸੱਚੀ ਬੰਦਗੀ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੇੜੇ 'ਚ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਫਲਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ। ਜੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੌਂਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਤ ਸੱਤ
वो इहदी खेती बाड़ी है, उहदे अंदर पौधा है, उहदी संभाल वास्ते भी इसनूं दिन रात होशियार रहना चाहीदा है। स्वामी जी महाराज एक सिपाही की मिसाल दिती है कि गुरमुख नूं एक सिपाही की तरह रहना चाहिए, हमेशा वास्ते होशियार। जिस तरह सिपाही अपनी बूट पट्टी से अपना समान बिल्कुल तैयार रखता है कि पता नहीं मेरी किस वक्त किहड़े पासे ते बदली हो जाए। इस तरह इस गुरमुख नूं भी इस तरह होशियार रहना चाहिए है। कई बार अगे भी दस्या कि स्वामी दयानंद जी की समाधि लगी हुई सी, कोई औरत उन्हूं मत्था टेक गई, मत्थे का मुड़का जिहड़ा उन्हां दे चरणां नूं लग गया। साडा मुड़का जिहड़ा हर बंदे का अलग अलग है, जिहो जे साडे खाने पीने सोसाइटियां गल्लां बातां ने, साडा खून पसीना इसे तरह इको जिहा सारे का खून पसीना नहीं है। जदों उन्हां दा ध्यान थल्ले आया, उन्हां नूं पता लग गया, सारी रात जागदे रहे, सारी रात जागदे रहे कि मेरा सत भंग ना हो जाए। राखी कीती अपने खेत दी, अपने खेत दी राखी कीती कि जानवर काम क्रोध मोह लोभ खा ना जान। कई बार अगे भी दस्या जिन खेती बीजी नहीं उन्हें राखी कदी करनी है, जिसने खेती बीजनी है उन्हें राखी करनी करनी है। उस फकीर दी उस साधु दी कोई ना कोई रहत जरूर होएगी, ते जिसकी खेती बीजी नहीं उसकी रहत भी की है जी, उन्हें राखी करने की जरूरत है, कदी करेगा राखी। खेती जिन की उजड़ी खलाड़े क्या था, वो की लाएगा अपने खलाड़े आके। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि पूरे सतगुर ने सानू सोझी पाई कि भाई इस युग के मुताबिक काम करो। पिछले युग जड़े उन्होंने सारिया बहुत सारिया उमर सिया, लखां वरे उमर सन, इस युग में साड़ी उम्र जड़ी बहुत थोड़ी है। 100 साल भगवान ने उम्र रखी है, काल भगवान ने 100 साल में असं की कर सकते, लखां वरिया के काम नहीं कर सकते। उन्हें नाम दस्या है, सारे संत महापुरख जितने भी आए हैं, सहजो बाई एक ईसरी हुई है, उसने बहुत बड़ी तपस्या की है, उसने भी दुनिया का जायजा लैके बाणी च फरमाया है कि कौन सुखी है और कौन दुखी है। असी जिन्हों बड़े सुखी समझते हैं, बड़े तनाड लोग जड़े ने जिन्हों असी सुखी समझते हैं, की देखते हो तुम पिछे की होया थोनों? मैं इन्ना बड़ा रौला पा रहा, मेरे हल नहीं देखती हैं तुम पिछे, जरा कि कोई बोलिया तो थोड़े सारे दिन धोना पिछे चला गई हैं, इन्नी टिक टिक लगी थोड़ी, कोई आराम नाल बैठो, कोई जींदा जीवे मरदा मरे, सुथरा घोल पतासे पीए, कोई मरे कोई जीए, सुथरा घोल पतासे चुप करके बैठो। तुम ये जी ताड़ी मार दी, इन्हू बाहर कढ़ दो, सेवादार है जे कोई बीबी, इन्हें चुक के बाहर लै जाओ, जो उत्थे परे जाके ताड़ी मारे परली कंध करो, ऐ पखंड कर दियां है। पढ़ो जी। इस युग का धर्म करो तुम भाई, पूरे गोरे सावा सो जी पाई, इत्ते अगे आए नाम सखाई, इत्ते अगे आए नाम सखाई। मैं सहजो भाई दे बारे फरमा रहा सी कि उसने बहुत तपस्या की थी, दुनिया का जाया लिया कि कौन सुखी है कौन दुखी है। असी जो बड़े बड़े तनाड लोग बड़े माया वाले, असी उन्होंने कहने कि बहुत सुखी है ने। सहजो भाई ने अपनी बाणी च फरमाया है, तन बहनते अति दुखी निर्धन दुख का रूप, सात सुखी सहजो के पाया पेत अनूप। उसने भी नाम ही दसिया सुख के नाम दे विच। गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे हैं, नानक दुखिया सर्व संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। जिसने नाम जपया है वो कुछ ना कुछ सुख ले लेगा, बाकी सुख नहीं है, बाकी किसी भी काम च सुख नहीं।
ना किसे लिया है ना कोई ले सकता है। जिन्हें फकीरां ने नाम जपया है वो इथों के दुख सुख कट के अपने देश चला गए, हमेशा दे सुखिए बन गए, जिथे हमेशा ही सुख है वो अपने घर पहुंच गए। गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहा इथे उथे तेरा नाम सखाई, ऐ पुरुष इथे भी नाम ने ही कम देना है, अगे भी नाम ने कम देना है। इथे भी नेक पाक काम करेगा, अच्छे काम करेगा, इहदी इज्जत होएगा, मान होएगा, और उहदा अगे भी होएगा। कई बार अगे भी दस्या है कि फरीद साहब जी एक बार कंजरां दे बाजार दे विचों दी जा रहे सन, एक कंजरी ने अपनी दासी नूं भेजिया कि जाओ शेखां दे महल्ले, उत्थे एक बंदा मरिया है, क्या वह बिश्ता नूं गया कि दोचकां नूं गया है। फरीद साहब जी बड़े हैरान होए कि मैनूं अज तक बिश्ता ते दोचकां दा पता नहीं लगा, मैं बहुत तपस्या कीती है, इस नूं किस तरह पता है। जदों वो लड़की आई उसनूं पुछया, कहन लगी बीबी जी उत्थे बिश्ता नूं गया है। फरीद साहब ने पुछया, बेटी तैनू किदां पता है कि बिश्ता नूं गया है? महात्मा जी ये थोड़ा तजर्बा है। की तजर्बा है? मरण तों बाद जिस बंदे दी लोकी तारीफ करदे है कि ये चंगा सी, ओ सिद्धा बिश्ता नूं जांदा है। चंगा होवेगा ते तां लोकी चंगा कहंदे है, जे चंगा नहीं होवेगा ते मरण दे बाद कोई किसे नूं चंगा नहीं कहंदा। जिउंदिआं ते भावें माड़ा भी होवे तद भी उहनूं चंगा ही कहिंदे, डरदे तद भी डरदे उहनूं चंगा ही कहिंदे है, पर मौत दे बाद ते कोई भी नहीं कहिंदा। जे कोई चंगा होवेगा ते तद उहनूं चंगा कहेगा। जो गुरु साहिब जी फरमा रहे इत्थे उत्थे नाम सहाई, इत्थे भी साडा नाम सहाई और अगे भी नाम। नाम दे बिना संतां महापुरखां ने दूजी गल नहीं कीती, क्योंकि नाम ही सानू सुख देने वाला है। किसी भी कर्म कांड के नाल सानू सुख नहीं मिल सकता, कर्म कांडा के नाल सानू जन्म जरूर मिल जाएंगे लेकिन मुक्ति नहीं होगी। जन्मां दे विच भी बहुत फर्क है, चरासी च बहुत फर्क है, जे पशुआं दे जन्मां विच गए तद भी उत्थे फर्क है। कई पशु ऐसे जिन्हां दी अच्छी सेवा होंदी है कर्मां दे लिहाज नाल, कई पशु ऐसे जिन्हां नूं बेचारियां दा पेट पूरा नहीं हुंदा, कई परिंदे ऐसे जिन्हां नूं चूरियां मिलदियां ने, कई परिंदे ऐसे जिहड़े बिश्टा खांदे ऐ वो भी कर्मां दे अनुसार नाल। कई दरख्तां दे विच भी फर्क है, कई दरख्त ऐसे जिन्हां दे उत्ते बंदे नौकर ने और उन्हां दी संभाल करदे ऐ ते अच्छी खुराक उन्हां नूं दे रहे ऐ ते वह उन्हां नूं फल फुल देंदे ऐ। कई ऐसे दरख्त है जिन्हां दे बेचारे की कोई बात ही नहीं पुछदा, और कई दरख्त ऐसे है जिन्हां नूं एक सकिंट आराम नहीं। कई बार सड़क च लंघदे असीं सोचदे हां कि सड़कां दे किनारे जो दरख्त होंदे है, एक गड्डी आ रही दूजी जा रही है, एक डाली दूजी नाल बजदी है, दूजी नाल पत्ते भी झड़ जांदे है, सुक भी जांदियां ने। साढ़े कोल कोई जरा मासा रौला पाए तो सानूं नींद नहीं आउंदी। हर एक जन्म नूं रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत है। हर एक जन्म नूं चाहे कोई दरख्त है, चाहे कोई कीड़ा मकौड़ा है, परिंदा है, पशु है, हर एक रात के समय हर एक नूं जरूरत है आराम की। जिन्हां दरख्तों के लागे 24 घंटे गड्डियां दौड़दियां फिरदियां ने, एक दूसरे के नाल डालियां बज बज के पत्ते भी झड़ जाते हैं, उन्हां दी की हालत है? बाबे फरीद ने बाणी च फरमाया कि इस मंदिर दे घड़ियाल ने की कर्म कीता है। ऐ फरीद, इस मंदिर दे घड़ियाल ने की कर्म कीता है माड़ा, जिहड़ा घड़ी घड़ी इहनूं मार देने लोकी? जिहड़ा भी जांदा मंदिर च उही उहनूं चपेड़ मार के जांदा, की कर्म माड़ा कीता है इसने? फकीर बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, फकीर हर एक चीज का अंदाजा लगाते हैं कि की इन्हें खोटा कर्म किया इस मिट्टी ने, कि जड़ा भी मंदिर जाता अगे मत्था टेकन चबेड़ मार के जाता नहीं उन्होंने
ਘੜਿਓਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਏਕ ਰਾਮ ਜਸਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਗੜਗੜ ਮੇਂ ਲੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਕਾ ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਸਭਸੇ ਨਿਆਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਜਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਲ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਜਤ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਅਕੇਲਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਤੋ ਮਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5-6 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਬਗੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਭੋ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਸੁੱਧ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਾਬ, ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸਹਿ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਮਠਿਆਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ,
उस मिठास नूं नहीं सजा, वह कितनी मिठी होएगी, कितना उहदे विच सुख होएगा। सूली ते भी चढ़ गए, खल्लां भी लुआ लईआं, कैदां भी कट्टियां, मगर परवाह नहीं की। शराब वाले ने किसी के नाल भी घट नहीं गुजारी, जितना जितना भी वाह लगा वो लाते ही लाते है। मुंह च गल आ गई है, मैं कह भी दिना कोई गल नहीं, तो कही भी जाए तो की हर जाएगा। मैं जो इतने रहा ना हसन वाली गल है, मैं कुदरती जम्मू जाना सी, पिछू मड़े तो टांगा आया, मैं उसे बह गया, उसे एक बीबी भी बैठी सी। वो बीबी कदे रुस के आई घरों, लोगों ने बजा लिया कि जेड़ा इतने महात्मा रहा वो जानी लै गया। इन्ना रौला पै गया जी पिंडा दे विच, कोई जेड़ा महात्मा रहा वो लै गया जी टांगे चाड़ गया। चढ़ाल चढ़ाल तू मैं अपने जम्मू चला गया, वो पता नहीं किधर चला गई। इतने बेचारा जो नानक चंद जींदा सी उन्हों बड़ा जिधर जावे शर्मसार होए, लोग कही जान मीणे मारी जान, वो जम्मू गया जी मेरे को। जम्मू गया तो उधर उधर दिखी जाए, जिते मेरे कदे उधर गुठ च देखे, कदे उधर देखे, कदे उधर देखे। मैं क्या मैं क्या नानक चंद की गल है, तू बड़ा परेशान है, दसा भी नहीं मैनू, डरदा दसा भी नहीं, आखिर उन्होंने दसना ही पै। मैं क्या भावा मैनू नहीं पता, ना मेरा कोई वाकफ हैगा ते ना मैनू कोई पता जी, मैं तो बस चढ़िया मैं आ गया इधर, ये नहीं पता कौन है ते कौन नहीं है। वो कुछ अपने रिश्तेदार का पता नहीं चल गई, बाद खरा किन्ने चले लभी और लभ गई। वैसे जदों मैं इतने आया तो जोड़ा जिदे सामने हो मूँह इदा करी उड़े, नीवा मूँह कर देना। मैं क्या मैं लेती नहीं भरावा ये हाल लोगों का है, लोग किसी का लिहाज नहीं करते। ये शराब वाले जड़े मंसूर साहब जी बच्चों में खेडते सन, एन हालांकि एक फकीर के पास जाती सी उसकी भैन सत्संग सुनने वास्ते रात के समय, आशिक जेड़े है वो जदों घरों पैर पुटते पिछे नहीं देखते, वो अगे मुरशद वाल उन्हों का ध्यान होंदा है, पिछे लंगूर बंदर देखते हैं, बंदे नहीं देखते जेड़े आशिक होंदे है, वो नहीं देखते, वो पिछे नहीं ही देखती होंगी। तो एक दिन बच्चियां ने उन्होंने मीणा मारिया, मंसूर साहब नूं तेरी भैन फकीर दे पास जाती है, तू वड्डा चौधरी बनिया इत्थे, कदों जाती है रात के समय। उस दिन वो जागदा रहा, जदों उठ के तुरी पिछे पिछे वह भी तुर पिया, उन्हें पिछे नहीं देखा, जाके सत्संग च बैठ गई। जदों सत्संग समाप्त होया उस महात्मा ने प्रसाद वंडिया तो कहना लै वे काका तुम्हें प्रसाद। जदों पिछे देखिया एन हलाकन है तो क्या सूली जो गया तू पिछे ही रहा, शराफ लग गया, सूली तो चढ़ना ही चढ़ना सी। साधु बोझे बोले सह सवाए साध बोलिया बिरथा ना जाए, पर उसने सूली जो गया क्या तो वो उधरों अंदरों अख खुल गई, वो मालिक की रहमत हो गई। उसने भी ये पुकारना शुरू कर दिता एन हलक, वो मकसद ही कि मैं अपने हक नू देख लिया है, पछाण लिया। लोगों ने उसनू फतवा ला दिता, अगे यदि भैन फकीर पास जाती सी तो हूँ ये भैन ते आशक हो गया, इन सूली का फतवा लाओ, सजा दो, सूली चढ़ो। बाजार के लोगों को कहा कि जब ये बाजार के विचों लंघेगा इनू पत्थराव करना, ये खाली ना जाए। सारे लोगों ने पत्थर मारे, फिर सिवली ने एक फुल मारिया, सिवली ने फुल मारे, मंसूर खड़ा मारिया, मर गया मर गया मर गया। सिवली ने कहा लोगों ने पत्थर मारे है, तू बोलिया नहीं, मेरे फुल की ज्यादा लगी है तेनों,
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਕਬ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਥਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸਿਵਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਮਨਸੂਰ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਰੂਰ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਮਨਸੂਰ ਅਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਮਤ ਰਹੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਓ ਲਾਓ ਕੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਖਲੀਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਛਿੱਤਰ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾਮ ਸਕਾਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨਾਮ ਸਕਾਈ